अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरवा फरीदी है और मैं हरिपुर से बिलोंग करती हूँ और मैं एक मार्शल आर्ट प्लेयर हूँ और मैं जो है कि रेलवे से एक डिपार्ट को रिप्रेजेंट भी करती हूँ पाकिस्तान में और मैं नेशनल चैम्पियन हूँ जोडो में और जुजुत्सु में और अभी मैं हाल में दो एक वीक पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई हूँ जिसमें मैं पाकिस्तान के लिए दो गोल्ड लेके आई हूँ और पाकिस्तान की हिस्ट्री की फ़र्स्ट वोमेन का खिताब मुझे मिला है जिसने पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा दो गोल्ड लेके आई। बाहर मेरे ख्याल में लड़कियों को ये समझते हैं कि लड़कियों को घर में बैठा दो, लड़कियां घर के लिए बनी हैं, बस पैदा हों, घर के काम करें और जाएं, और या तो फिर जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएं तो उनकी शादियां करके दे दो, फिर उसके बाद ससुराल जा के संभालें। नहीं, हमारी मुल्क में 50% जो तादाद है वो लड़कियों की है। अगर हम लड़कियों को 50% को घर में बिठा के रख देंगे तो 50% तो हम तो वैसे ही लूज़ करेंगे। घरों में बैठी हुई लड़की जब घर से बाहर निकलेगी तो वो एक मासूम बच्ची की तरह होती है, उसे कुछ पता नहीं होता, उसको पता नहीं होता उसने आगे हैंडल कैसे करना है। अगर वो एक स्पोर्ट्स वूमेन होगी, उसको मार्शल आर्ट आती होगी, डिफेंस आता होगा, वो बाहर जाएगी, अगर कोई उसको हाथ लगाएगा तो एक रख के मुँह पर देगी उसके, भाई कौन हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो। और अगले को जब पड़ेगी ना ट्रेनिंग की हुई लड़की की, तो उसको समझ आ जाएगी कि हाँ भाई लड़की में ताकत है, भी कमज़ोर नहीं है लड़की। स्पोर्ट्स जो है वो लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है, उनके फेस ख़राब हो जाते हैं या उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छे रिश्ते भी आते हैं आपके लिए, आपका जो है कि फेस भी, मेरा फेस देख लें, अभी जो है मैं बचपन से खेल रही हूँ, मार्शल आर्ट कर रही हूँ, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बिल्कुल फेस ख़राब नहीं हुआ। तो ये सिर्फ लोगों की बातें होती हैं, उन्हें देखने में लग रहा होता है कि शायद इस जगह पे जाके हमारी बच्ची ख़राब हो जाएगी या ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ इस चीज़ में कि पाकिस्तान में भी ऐसे ब्रांड मौजूद हैं जो लड़कियों की कहानियों को आगे लाके आगे उनकी स्टोरीज़ को आगे बयान करते हैं और लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सिटी है मेरा, अगर मेरी सिटी के मैं रहते हुए इतनी छोटी सिटी में मेरे पेरेंट्स की ऐसी सोच हो सकती है, तो मेरे ख्याल में बड़ी सिटीज़ के लोगों के लिए तो ज़्यादा इजी होना चाहिए अपनी बच्चियों की इजी करने की, ज़्यादा सोच बड़ी होनी चाहिए।